हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या सभी एप्लीकेशन के ऊपर से प्रतिबंध हट चुका है। आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ समय पहले ही एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आप लोगों को साफ साफ कह दिया था कि इन सभी एप्लीकेशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है, सबका लाइसेंस रद्द हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी अभी तुरंत खबर आई है, मेरी वीडियोज़ जो है दोस्तों एक दिन लेट रहती है, अगर मैं आज शूट करता हूँ तो कल आप तक पहुँचती है, इसी वजह से थोड़ी बहुत लेट हो सकती है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा मैनेज कर ले। और मैं बता देता हूँ कि अभी तुरंत खबर आई है कि जितने भी लोन एप्लीकेशन है जिन सभी को बैन किया गया था NBFCs को खासकर, उन सभी पे से प्रतिबंध हट चुका है। और अब आपको यहाँ पर से क्या स्टेप लेना होगा, क्या करना होगा, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑन करके रखिए। तो बात करते हैं कि आखिर ये लोन ऐप्स रिबॉर्न आखिर हो कैसे गए, जब सबका लाइसेंस दोस्तों रद्द हो चुका था तो वापस इन सबको लाइसेंस क्यों दिया गया, इसके पीछे गवर्नमेंट ने RBI ने क्या कहा, तो ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा है कि इनके पास सभी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, इसी वजह से इन सभी को दोबारा से चालू कर दिया जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, लीगल डॉक्यूमेंट कहा गया कि सभी एप्लीकेशंस के पास है, सभी NBFC लोन ऐप्स के पास उपलब्ध हैं और उन सभी को वापस से ऑन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात निकल के दोस्तों ये आती है कि ये कोई भी सही रीज़न नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके पीछे का असल कारण क्या है, मेरे हिसाब से मेरा पक्ष इस पे क्या होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली दोस्तों बात आती है आपके मौलिक अधिकार की, जो आपको संविधान में लिख के दिया गया, जिसका नाम है राइट टू प्राइवेसी। आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि ये मेरा फैक्ट जो है वो सही है कि नहीं, वीडियो के बाद आप जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। तो राइट टू प्राइवेसी आखिर कौन सा अधिकार है, ये अधिकार के तहत अगर आपके निजी लाइफ में कोई भी तीसरा आदमी दखल अंदाजी करता है तो वो पूरी तरह से गैर संविधानिक है, इलीगल है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी थर्ड आदमी आपके फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव को आपके बिहाफ में कॉल नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, फैमिली को फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को किसी को भी आपके बिहाफ में दोस्तों कॉल नहीं कर सकता और ना ही उन लोगों को बोल सकता है कि आपने लोन लिया है और उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सभी के सभी NBFC लोन ऐप जितने भी प्ले स्टोर पे हैं, एम पॉकेट से लेकर ट्रू बैलेंस, लेजी पे, किश्त, नावी, सभी के सभी एप्लीकेशंस ऐसा करते आए हैं और हमेशा से करते रहेंगे। अब यहाँ पे जब इन लोगों को खुला लाइसेंस मिल चुका है कि आप फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, आप लोगों के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, आप लोगों के कॉन्टैक्ट पे कॉल करने के लिए फ्री हैं, पैसे का भी आप बड़ा से बड़ा स्कैम कीजिए, हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट सीधे सीधे उन लोगों को बोलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि इनको डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने प्रोवाइड, इन लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट था तो लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन आखिर दोस्तों फिर ये राइट कहाँ गया, मेन दिक्कत है कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि उनके पास क्या क्या अधिकार है, ये अधिकार भी आपका कहाँ गया। जब आप लोगों को पता है कि NBFC लोन ऐप बिना परमिशन के फैमिली फ्रेंड रिलेटिव को कॉल्स कर रही है और आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश पूरी तरह से कर रही है, तो फिर आप उनको बैन क्यों हटाएं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग पॉइंट की बात करेंगे, वो पॉइंट ये है कि थर्ड पार्टी आदमी को आपके घर पे भेज के और आपको हरेसमेंट करना, ये भी पूरी तरह से दोस्तों इलीगल है, एकदम ही आपको इसको भी हटा देनी चाहिए थी एप्लीकेशन को, लेकिन फिर भी अभी तक हटी नहीं है। ये है दोस्तों थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट के नाम पे। जी हाँ दोस्तों, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट के नाम पे आपके घर पे कुछ लोगों को भेजा जाता है जो एकदम ही इलीगल है, इसको भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब हम लोग मेन मसले पे आते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर तो RBI और गवर्नमेंट ने मिलकर यहाँ पे से बैन हटा दिया है, लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है आप लोगों के पास, वो यहाँ पे सबसे बड़ी अथॉरिटी है पूरे ऑल इंडिया में और वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पे अभी इसकी जाँच नहीं हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गूगल को कहा है साफ साफ कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाइए ताकि आप किसी की भी प्राइवेसी लाइफ में झांक नहीं सकें। यह दोस्तों ये इसने कहा है कि गूगल को अपने OS को ठीक करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और बहुत ज़्यादा पुराना है। आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोग जिस चीज़ का सर्च करते हैं गूगल पे या कहीं पर, तो हर जगह आपको उसी का ऐड दिखने के लिए मिल जाता है। आखिर ये सब क्यों होता है, क्योंकि आपके फ़ोन ने आपको ही अपना गुलाम बना के रख लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यही टिप्पणी आई है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाना बाकी है और ये मामला जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगा कि आखिर मौलिक अधिकार हम लोगों के पास जब दिया गया तो उसका उल्लंघन क्यों किया जाता है।
और NBFC लोन ऐप्स यहाँ पे से अब और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगी और आपको और ज़्यादा तंग करने की कोशिश करेंगी रीपेमेंट ना करने के ब्याह में। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, तो एक एक करके वीडियो सारी एप्लीकेशन पे मैं लेकर जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। इससे पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो मेक श्योर करें कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे दोस्तों क्या कारण रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना ये कोई असल कारण नहीं है, वो तो बस स्टेटमेंट में कहा गया है, लेकिन असल कारण क्या होगा, असल कारण दोस्तों है पैसा। आखिर इन सभी एप्लीकेशन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बड़ी बड़ी कंपनी है और बहुत ज़्यादा पैसा है, तो छोटा मोटा रकम दे देने से इन लोगों को घाटा नहीं होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं, ये मेरा दोस्तों अपना पक्ष है, आपका पक्ष अलग हो सकता है, वो उसके लिए मैं कुछ भी आपको बोल नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर ज़्यादा पसंद आया तो सभी में शेयर कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे वीडियो में बहुत जल्द।